One of those days where you miss your friends. खैर आज मुझे बहुत याद आ रही है विकास खन्ना की. मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, आप सब जानते ही हैं. लेकिन क्यों याद आ रही है ये सुनिए. उन्होंने एक बार एक स्टोरी बताई थी कि जब वो एक प्रॉब्लम के समय में थे तो उनके घर पे खाने को कुछ सामान आ ही नहीं पा रहा था क्योंकि बाहर दंगे चल रहे थे. तो उनकी जो दादी जी थी ना, बीजी बोलते थे उनको, वो हर दिन आलू खिलाती थी और आलू के अलग अलग नाम लेकर, कभी आलू टमाटर, कभी टमाटर आलू, कभी आलू हल्दी, कभी हल्दी आलू. तो मेरे को लगता है कि व्रत में भी ऐसे ही होता है क्योंकि आलू ही खाना है, आलू के अलग अलग फॉर्म्स खाने हैं. तो चलिए एक ऐसा ही नया फॉर्म आपको खिलाता हूँ, छोटे वाले आलू से. गोली आलू, छर्रा आलू, बहुत नाम है इनके, लेकिन आज इनके बनेंगे आलू के टुक. सिंधी वाले नहीं, मेरे स्टाइल वाले. अब ये जो गोली आलू है ना, छर्रा आलू, इन्हें बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद इन्हें क्रिस्प फ्राई किया जाएगा हॉट ऑयल में. तेल गरम करने चढ़ा है और आलू को हमें इस तरह से चपटा करना है, यूं, ये सिंपल विद द स्किन. अब ऑब्वियसली अगर हम स्किन के साथ पका रहे हैं तो अच्छे से स्किन को धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मिट्टी होती है और मिट्टी को हटाना ज़रूरी है. उसको सोख करके रखिए थोड़ी देर और फिर बॉयल करिए, और बॉयल करने के बाद, ठंडा करने के बाद ये कर दीजिए. अभी तेल गर्म होने में टाइम है, तब तक हम बाकी चीज़ें कर लेते हैं. थोड़ी सी शिमला मिर्च काट लेते हैं, मेरे पास लाल और पीली दोनों हैं, कलरफुल. अभी आलू टुक जो होता है, सिंधी लोग खाते हैं इसको, क्रिस्प फ्राई करते हैं और उसके ऊपर एक बड़ा स्पेशल सा उनका मसाला होता है वो डालते हैं. पर मैं ना इसको थोड़ा इंडियन चाइनीज स्टाइल बनाऊंगा. कैप्सिकम के ट्रायंगल्स काट रहा हूँ मैं. फॉर मी फूड हैज़ टू बी लुकिंग गॉर्जियस, कलरफुल, और शेप्स डू मैटर ऑफकोर्स. ऑलराइट, साथ ही में थोड़े से हरी मिर्च को मैं 1/2 लंबा काट लूँगा. ओके, अब ये उबले आलू क्रिस्प फ्राई होंगे, तेल गरम हो चुका है, इसको आराम से छोड़ दिया जाएगा इसमें. इस ब्यूटीफुल नॉइजेस, बिल्कुल जैसे बारिश बाहर हो रही है वैसी आवाज़ आ रही है. इन्हें क्रिस्प फ्राई करना है. अभी समय बाकी है, गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है. वाव, दे लुक गॉर्जियस. आवाज जारी है, खैर आवाज से क्या करेंगे, अभी इसमें टेस्ट लाते हैं. डिश इंडियन है बट बकेगी बिल्कुल चाइनीज स्टाइल से. वॉक नाइस एंड हॉट, थोड़ा सा तेल, इसमें जाएंगे थोड़े से खड़े मसाले. मसाले में थोड़ी सी कलौंजी एंड सौंफ, ये क्रैकल होंगे. अब इसमें जाएगा थोड़ा सा स्लाइस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, ये कलरफुल कैप्सिकम. कैप्सिकम को हल्का सा टॉस करके इसमें हम डालेंगे सेंधा नमक, साथ ही में इमली की चटनी बनाई है वो भी सेंधा नमक डाल के. अब इस चटनी को इधर डाल दिया जाए, हल्का सा पानी. अब जो ये क्रिस्पी फ्राइड आलू है ये सीधा अंदर, क्विक टॉस एंड वी आर डन. स्ट्रेट ऑन टू अ प्रेजेंटेशन प्लेट, गुड टू गो. आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर डाल सकते हैं. लुक्स ब्रिलियंट, स्मेल्स अमेजिंग एंड ऑब्वियसली टेस्ट्स बहुत बेहतरीन. वाह, क्रिस्पी आलू एक ऐसी चीज़ है जो किसी का भी फ्लेवर खींच लेता है
और यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर हैं, सौंफ है, कलौंजी है, सौंठ की चटनी है, लग रहा है एकदम चाइनीज डिश है, एकदम इंडियन। देख कह रहे हैं भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी बहुत सारी रेसिपीज मिलती रहेंगी हर हफ्ते दो नई। आपको करना क्या है, सिर्फ बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इस प्यार को बांटना है।